हाय फ्रेंड्स, आई एम बलराम फर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जयपुर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ भारतीय स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल विद ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर का ईपीसी थर्ड पेपर को लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा ईपीसी थर्ड के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, मैं उस पर चर्चा करता हूं कि टोटल पाठ्यक्रम को 3 इकाइयों में डिवाइड किया गया है। जो ईपीसी थर्ड का पाठ्यक्रम है उसको 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहली जो इकाई है वह है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। दूसरी जो इकाई है उसमें दिया गया है कंप्यूटर का परिचय। और जो तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण समर्थित शिक्षण और अधिगम की रणनीतियां। तो दोस्तों, इन 3 इकाइयों में पूरे सिलेबस को बांटा गया है। यदि सिलेबस पर ध्यान दिया जाए तो यह निश्चित है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनके अंतर्गत सभी परीक्षाओं में इस सिलेबस से अधिकांश प्रश्न आते हैं, चाहे वो परीक्षा आरएएस की हो या आईएएस की हो, पीएचडी हो, नेट हो, एलडीसी हो, पटवार हो, यानी कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ईपीसी थर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है ईपीसी थर्ड। दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर के अंतर्गत जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें ये ईपीसी थर्ड जो पेपर होगा उसका जो पाठ्यक्रम होगा उसे हम देखेंगे। तो उस टोटल पाठ्यक्रम को 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहली जो इकाई है, प्रथम इकाई, प्रथम जो इकाई है उसमें दिया गया है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी दूसरी इकाई में दिया गया है दोस्तों द्वितीय इकाई कंप्यूटर का परिचय। तृतीय इकाई और तीसरी इकाई में जो दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण
समर्थित शिक्षण एवं अधिगम की रणनीतियां यानी कि दोस्तों तीसरी इकाई में जो पढ़ना है सूचना एवं संप्रेषण समर्थित शिक्षण एवं अधिगम की रणनीतियां यानी कि सूचना और संप्रेषण से शिक्षण अधिगम को कितना प्रभावशाली बना गया है, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, ऐसी सब रणनीतियों को हम तीसरी इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरी इकाई में जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कंप्यूटर का परिचय यानी कि कंप्यूटर का विकास क्रम, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की प्रणाली, कंप्यूटर की कार्य क्षमता यानी इन सब का जो अध्ययन करेंगे हम वो द्वितीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। और पहली जो इकाई है तो पहली इकाई को हम टोटल को जान लें दोस्तों कि हमने पहली इकाई में क्या पढ़ना है क्योंकि हमको सबसे पहले प्रथम इकाई को प्रारंभ करना है। तो पहली इकाई के अंतर्गत शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो पहला बिंदु है वो दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण का अर्थ अवधारणा महत्व तत्व और प्रकृति एवं प्रकार यानी कि दोस्तों जो पहला बिंदु दिया गया है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत वो दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण का अर्थ अवधारणा महत्व तत्व और प्रकृति एवं प्रकार। तो इन सब का अध्ययन हमको इसमें करना है। इसके अलावा जो दिया गया है वो दिया गया है नेक्स्ट वाला जो बिंदु है सूचना एवं संप्रेषण की आवश्यकता नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण का क्षेत्र। दोस्तों पहला जो बिंदु है उसमें दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण का अर्थ अवधारणा महत्व तत्व और प्रकृति एवं प्रकार और सूचना एवं संप्रेषण की आवश्यकता नेक्स्ट वाला बिंदु और नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण का क्षेत्र और नेक्स्ट बिंदु है सूचना एवं संप्रेषण की प्रवृत्तियां एवं सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों यानी जो नेक्स्ट बिंदु है सूचना एवं संप्रेषण की प्रवृत्ति एवं सिद्धांत
कहने का मतलब शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत ये बिंदु हल करने होंगे हमको। सूचना एवं संप्रेषण का अर्थ, अवधारणा, महत्व, तत्व और प्रकृति एवं प्रकार, सूचना एवं संप्रेषण की आवश्यकता, सूचना एवं संप्रेषण का क्षेत्र और सूचना एवं संप्रेषण की प्रवृत्तियां और सिद्धांत। इसके अलावा सिलेबस में दिया गया है दोस्तों नेक्स्ट वाला जो बिंदु है पाठ्यक्रम, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका शिक्षण विधियां कक्षा कक्ष वातावरण मूल्यांकन एवं शैक्षिक संदर्भ में सूचना एवं संप्रेषण के द्वारा बदलाव कहने का मतलब जो बिंदु दिया गया है नेक्स्ट वाला दोस्तों इसमें दिया गया है कि पाठ्यक्रम, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण विधियां, कक्षा कक्ष वातावरण, मूल्यांकन एवं शैक्षिक संदर्भ में सूचना एवं संप्रेषण के द्वारा बदलाव, यानी क्या क्या बदलाव किए गए हैं शैक्षिक प्रसार जो संप्रेषण है उसके द्वारा संप्रेषण नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा विद्यालय शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण की चुनौतियां दोस्तों इसका मतलब यानी जो विद्यालय शिक्षा दी गई है उसमें सूचना और संप्रेषण को लेके क्या क्या चुनौतियां हैं इन सब का अध्ययन हमको किसमें करना है प्रथम इकाई में करना है। चुनौतियों से मतलब जैसे मान लो सरकारी विद्यालय कंप्यूटर शिक्षा वहां लागू है, कंप्यूटर तो उपलब्ध है लेकिन बिजली नहीं है। दूसरी बात कंप्यूटर है, बिजली है लेकिन कंप्यूटर टीचर नहीं है। तो यानी कि विद्यालय स्तर पर जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनका अध्ययन हम इस बिंदु में करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि ईपीसी थर्ड के अंतर्गत जो प्रथम इकाई है जो हमने विस्तृत रूप से देख लिया है जिसको पूरा जो पाठ्यक्रम प्रथम इकाई में दिया गया है उसमें शिक्षा में सूचना
एवं संप्रेषण तकनीकी, यानी इस इकाई को, इस इकाई का अध्ययन जब हम करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात हम ईपीसी थर्ड पर करते हैं कि आखिर ईपीसी का मतलब क्या होता है। एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, कहने का मतलब ई फोर एनहेंसिंग, पी फोर प्रोफेशनल और सी फोर कैपेसिटी। इसका जब हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ होता है पेशेवर क्षमता को बढ़ाना, यानी कि व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। तो नेक्स्ट, सबसे पहले हम सूचना संप्रेषण के अर्थ को जब देखेंगे, अर्थ तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ सम प्लस प्रेषण। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों किसी भी शब्द से पहले यदि हम सम उपसर्ग लगा देते हैं तो वो उपसर्ग उसकी अच्छाई को बताता है। कहने का मतलब प्रेषण माने होता है प्रदान, तो यानी कि जो अच्छा आदान प्रदान है, जो अच्छा प्रेषण है, उसको क्या कहा जाता है, संप्रेषण कहा जाता है। तो दोस्तों यदि संप्रेषण की परिभाषा की बात करें हम, तो जब संप्रेषण से अभिप्राय है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने दुख को, अपने सुख को, यानी एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। जैसे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति विचार, भाव, दुख, सुख आदि मनोभावों को परस्पर संपादित करता है तो उस प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति विचार, भाव, दुख, शोक आदि मनोभावों को परस्पर संपादित करते हैं तो उस प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। इसके अलावा अर्थ में जाएंगे तो इसका जो दोस्तों इंग्लिश वर्ड जो होता है संप्रेषण का, वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन,
तो दोस्तों कम्युनिकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? कम्युनिस। जो कम्युनिस शब्द से लिया गया है, और ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। और इस कम्युनिस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सूचना को सामान्य करना। जो कम्युनिस्ट शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है? सूचना को सामान्य करना। तो अब इस बात से स्पष्ट हो जाता है, अब पहले ये जान लें कि सूचना को सामान्य करना क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं, उसके बाद वोटिंग होती है, उसके बाद काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद परिणाम आता है। लेकिन जो काउंटिंग और परिणाम के बीच का जो समय होता है उसमें जो परिणाम होता है वो जो सूचना होती है वो अत्यंत ही गंभीर होती है, सीरियस होती है। लेकिन जब वो सूचना प्रसारित हो जाती है, आम लोगों तक पहुंच जाती है, तो वही सूचना क्या हो जाती है? सामान्य हो जाती है। तो वही बात यहां निकल के आती है कि सूचना को सामान्य करना। तो कम्युनिस्ट शब्द है, कम्युनिकेशन का शब्द जो अर्थ हो गया वो ये हो जाता है कि सूचना का सामान्यकरण कर देना, आपस में वार्तालाप करना। ये जो वार्तालाप करना है वो क्या है? संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये संप्रेषण का अर्थ हुआ। अब हम संप्रेषण यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी के अवधारणा की बात करें तो इसमें आएगा, सबसे पहले होता है सूचना और संप्रेषण में जो पहला बिंदु होगा वो होगा स्रोत। दोस्तों याद होना चाहिए कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते यदि व्यक्ति से सूचना और संप्रेषण तत्व को अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति एक पशु के समान हो जाता है। एकमात्र सूचना और संप्रेषण उक्ति ही एक ऐसी है जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है, इंसान बनाती है। तो उसके लिए सूचना और संप्रेषण आवश्यक है, अच्छी सूचना अच्छा संप्रेषण होना आवश्यक है। तो सबसे पहले जब इसकी अवधारणा की बात करते हैं तो अवधारणा में आता है दोस्तों स्रोत। जो स्रोत होता है इसका मतलब सोर्स, यानी कि सेंडर। कहने का मतलब जो स्रोत होता है सूचना के अंतर्गत, संप्रेषण के अंतर्गत, वो सूचना देने वाला होता है, यानी कि सेंडर होता है, यानी सूचना को देने वाला, ये क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों संदेश। मैसेज, कहने का मतलब दोस्तों इस कड़ी के अंतर्गत जो संप्रेषण की कड़ी है इसमें संदेश जो दूसरा पॉइंट आएगा, स्रोत, स्रोत के बाद संदेश, और संदेश में क्या होता है कि सूचनाओं का भंडार, सूचनाओं का भंडार या संग्रहण। दोस्तों सूचनाओं का जो संग्रहण होता है, जो भंडार होता है, वो क्या होता है? दूसरा बिंदु यानी संदेश के अंदर होता है, जिसको सेंडर के द्वारा दिया जाता है।
इसी कड़ी में तीसरा जो बिंदु होगा दोस्तों, एनकोडिंग। एनकोडिंग तो दोस्तों एनकोडिंग जो बिंदु होगा, इसके अंतर्गत जो स्रोत है, स्रोत के बाद संदेश आता है, संदेश के बाद जो एनकोडिंग है, इसमें क्या होता है दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कि विचारों और सूचनाओं को प्रतीक एवं निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, यानी कि संदेश को एनकोडिंग किया जाता है, यानी कि जो सूचना है और जो चिन्ह है उनका प्रयोग किसमें किया जाता है, एनकोडिंग के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों माध्यम, यानी कि मीडियम। दोस्तों मीडियम के अंतर्गत क्या होता है संप्रेषण में, जो संप्रेषण प्रक्रिया है उसमें जो मीडियम होता है वो होता है, यानी कि संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण के अंतर्गत जिन उपकरणों को काम में लिया जाता है उन्हें माध्यम कहा जाता है। दोस्तों संप्रेषण के अंतर्गत जिन उपकरणों को काम में लिया जाता है उन्हें माध्यम कहा जाता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जो चौथा बिंदु है वह है माध्यम है, जैसे कि जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, समाचार पत्र आदि। कहने का मतलब दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जिन उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं संप्रेषण में वो उपकरण माध्यम कहलाते हैं। नेक्स्ट है डिकोडिंग। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों डिकोडिंग, यानी कि डिकोडिंग के द्वारा
हम संप्रेषण प्रक्रिया में क्या करते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में विचारों और अभिव्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना और समझना, डिकोडिंग कहलाता है। दोस्तों डिकोडिंग की जब हम बात करते हैं तो जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत संप्रेषण प्रक्रिया में विचारों और अभिव्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना और समझना डिकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है संग्रहण करता। दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया में ये वाला जो पक्ष है इसमें संप्रेषण जो संग्रहण करता होता है यानी कि संदेश को प्राप्त करने वाला जिसको क्या कहते हैं रिसीवर, इसकी अंतर्गत संदेश को समझकर प्राप्त किया जाता है यानी कि संदेश को जो प्राप्त करने वाला होता है जो सोर्स होता है जो स्रोत होता है जो सेंडर होता है वो कहां तक पहुंचाता है उसको संग्रहणकर्ता तक पहुंचाता है और वो माध्यम लेके यानी या तो किसी भी दूर संचार के माध्यम से या किसी भी पत्र पत्रिका के माध्यम से उस संदेश को पहुंचाता है। वो संग्रहणकर्ता कौन कहलाता है जो उस संदेश को प्राप्त करता है। इसके आगे आता है दोस्तों लास्ट में फीडबैक। दोस्तों फीडबैक का मतलब होता है कि यानी कि जो संदेश आया है उस संदेश वाहक द्वारा प्राप्त संदेश का मूल्यांकन करके और उसे समझकर उन्हें स्रोत तक पहुंचाना। कहने का मतलब दोस्तों संदेश भाग द्वारा जो प्राप्त संदेश है उसका मूल्यांकन किया जाता है इसके द्वारा संग्रहणकर्ता के द्वारा और उसमें जो भी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है उसके आधार पर वो पुनः उसको
स्रोत तक पहुंचाया जाता है। तो यह इसकी दोस्तों क्या है, पूरी संप्रेषण प्रक्रिया है, प्रणाली है उसकी। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार यानी प्रकार यानी कि जो संप्रेषण की प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी कितने प्रकार का संप्रेषण होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, एक है अनौपचारिक संप्रेषण, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनी केशन, इसी का दूसरा नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, यानी इन नामों से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। अनौपचारिक जो संप्रेषण होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है इसमें हम जब सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस प्रकार होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण का जो आधार होता है वो अवैज्ञानिक होता है, विधिवत नहीं होता है। यानी कि एक नाम से ही पता चल रहा है ग्रेप वाइन, यानी कि समूह में संप्रेषण होता है इसका। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि एक कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, औपचारिक संप्रेषण करते हैं अध्यापक और छात्र के बीच में, औपचारिक संप्रेषण होता है। लेकिन जब अवकाश के समय यानी इंटरवेल के समय जब छात्र इकट्ठे हो जाते हैं तो समूह में जो फिर चर्चाएं करते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ऐसा जो संप्रेषण होता है वो अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषण को दोनों को ही हम यदि एक साथ समझेंगे तो इनसे स्पष्ट होता है कि जो औपचारिक संप्रेषण होता है वो एक वैज्ञानिक संप्रेषण होता है, विधिवत रूप से किया जाता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ऐसा संप्रेषण जो उद्देश्यपूर्ण हो, वैज्ञानिक हो, विधिवत हो, वो संप्रेषण क्या कहलाता है, औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। लेकिन विधिवत वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण ना होकर केवल और केवल समूह में एक ही व्यक्ति के द्वारा यानी आजादी हो बोलने की, वो किसी प्रकार की बातें कर सकते हो, इस टाइप की जो बातें होती हो वो अनौपचारिक संप्रेषण में आती हैं। जबकि औपचारिक संप्रेषण में निर्धारित नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके तहत ही बात की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत अब इस समय वर्तमान में COVID-19 बीमारी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री महोदय आए दिन आपातकालीन मीटिंग लेते हैं, तो उस मीटिंग के अंतर्गत जो सदस्यगण बैठते हैं तो उनके साथ जो संप्रेषण करते हैं मुख्यमंत्री साहब, तो उनका जो संप्रेषण है वो कैसा है, औपचारिक संप्रेषण है। लेकिन वही अधिकारी जब मीटिंग खत्म होने के बाद किसी कैंटीन में जाके बैठ के चाय नाश्ता करते हैं और फिर कोई बातें करते हैं तो वो एक अनौपचारिक संप्रेषण है। कहने का मतलब कि जब संप्रेषण का जो उद्देश्य है, जब उसकी जो प्रक्रिया है वो वैधानिक हो, विधिवत हो, एक उद्देश्यपूर्ण हो, तब वो संप्रेषण क्या कहलाएगा, औपचारिक संप्रेषण कहलाएगा।
और ऐसी स्थिति में यानी कि विद्वत ना हो, वैज्ञानिक ना हो, और वो केवल एक समूह में, और उस समूह में व्यक्ति को पूर्ण आजादी हो, तो ऐसा जो संप्रेषण होगा वो अनौपचारिक संप्रेषण होगा। क्योंकि मान लो विद्यार्थी क्लास के बाहर जाकर और ग्रुप में जाकर बात करते हैं तो उनको पूर्ण आजादी है, वो आपस में कैसे भी बात कर सकते हैं, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आजादी से मेरा तात्पर्य यही है कि ऐसी आजादी यानी कि कोई बाउंडेशन ना हो, वो बात कर सकते हैं, लेकिन कक्षा में जब विद्यार्थी बात करेंगे तो उनमें बाउंडेशन है, एक अध्यापक की बाउंडेशन है। तो वो जो वार्तालाप है, शिक्षण का जो वार्तालाप है, वो क्या है? औपचारिक वार्तालाप है, औपचारिक संप्रेषण है अध्यापक का और छात्र का। लेकिन जब वो अवकाश में यानी कि इंटरवेल में बाहर जाकर एक समूह में कोई भी स्टूडेंट से जो बात करता है तो वो क्या कहलाता है? अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखेंगे जब सूचना प्रेषित करने का तरीका वैज्ञानिक विधिवत एवं उद्देश्यपूर्ण ना होकर व्यक्ति को एक समूह में बात करने की पूर्ण आजादी हो तो उस प्रक्रिया को अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि जब सूचना प्रेषित करने का तरीका वैज्ञानिक विधिवत एवं उद्देश्यपूर्ण ना होकर व्यक्ति को एक समूह में बात करने की पूर्ण आजादी हो तो उस प्रक्रिया को अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि उस प्रक्रिया को, उस तरीके को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक संप्रेषण। दूसरा है औपचारिक संप्रेषण। दोस्तों औपचारिक संप्रेषण क्या होता है? जो मैंने अभी बताया था कि जब बात करने का तरीका वैज्ञानिक हो, विधिवत हो, उद्देश्यपूर्ण हो, जैसे कि मेरे और कॉलेज प्रबंधन के बीच में ऑनलाइन क्लास को लेकर जो बातचीत हुई वो क्या कहलाया? उद्देश्यपूर्ण था।
विद्वत थी और वो बात इतनी होकर और समाप्त, और उसका मतलब ये जो संप्रेषण हुआ हमारे बीच में ये क्या कहलाएगा? औपचारिक संप्रेषण कहलाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब सूचना प्रेषित करने का तरीका वैज्ञानिक विधिवत एवं उद्देश्यपूर्ण होता है तो यह प्रक्रिया औपचारिक संप्रेषण कहलाती है। दोस्तों, जब सूचना प्रेषित करने का तरीका वैज्ञानिक विधिवत एवं उद्देश्यपूर्ण होता है तो यह प्रक्रिया औपचारिक संप्रेषण कहलाती है। जैसे मान लो कोई सीनियर अधिकारी और जूनियर अधिकारी से ऑफिस में बात कर रहा है, किसी विषय को लेकर बात कर रहा है, तो वो जो बातें होंगी, जो वो संप्रेषण होगा, वो संप्रेषण क्या कहलाएगा? औपचारिक संप्रेषण कहलाएगा। औपचारिक संप्रेषण का, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण को कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट है दोस्तों अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन दोस्तों अंतः व्यक्तिक संप्रेषण यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, एक तरह से ये संप्रेषण वो संप्रेषण होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति मन ही मन में सोचता है, स्वयं से बात करता है, यानी कि स्वयं से बात करने का तात्पर्य अंतः व्यक्तिक संप्रेषण होता है। यानी उसका जो बात करने का तरीका होता है वो कोई अन्य ना होकर, किसी अन्य से बात ना कर के और स्वयं से बात करता है, यानी खुद से बात करना, यानी मन में ही मन में बात करना, एक तरह से यूं कह सकें तो उसका जो मतलब होता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई मंदिर का भक्त है और वो सोते वक्त मन ही मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है कि सुबह उठकर मुझे गॉड की पूजा आरती करनी है, तो ये जो सोचना है, ये विचार करना है, ये क्या कहलाता है? अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। इसके अलावा यानी कि इसको ऐसे परिभाषित रूप में लिखेंगे कि जब व्यक्ति केवल
स्वयं के बारे में सोचता है, अर्थात मन ही मन में बातें करता है, तो इस प्रक्रिया को अंते व्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों मतलब स्पष्ट है कि जब व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोचता है अर्थात मन ही मन में बातें करता है तो इस प्रक्रिया को अंतःवैयक्तिक संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। यानी कि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। अंतर व्यक्तिक संप्रेषण की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अंतर्व्यक्तिक के अंतर क्या होता है, मन ही मन में बात करता है लेकिन स्वयं के बारे में बात करता है। यहां बात बिल्कुल अपोजिट आती है, बातें तो मन ही मन में करता है लेकिन वो किसके बारे में बात करता है, दूसरे के बारे में बात करता है। जैसे कि एग्जांपल से स्पष्ट करेंगे हम कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बारे में सोचता है, एक पिता अपने पुत्र के फ्यूचर के बारे में सोचता है कि आखिर उसको कितनी शिक्षा देनी है, कितनी क्या कराना है, क्या उसके बारे में, यानी कि कहने का मतलब किसी परिवार के सदस्य के बारे में सोचता है। तो दूसरे के बारे में सोचना मन के अंतर्गत वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और यदि स्वयं के बारे में सोचना तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इन दोनों में दोस्तों यही अंतर है, इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे, जब व्यक्ति अपने स्वयं जब व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त दूसरों के बारे में विचार करता है तो उसे
अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कहती है। तो दोस्तों मतलब साफ है कि जब व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त दूसरों के बारे में विचार करता है तो उसे अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट है एकल संप्रेषण। यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन यानी एकल संप्रेषण, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक तरफा कम्युनिकेशन। जो एकल संप्रेषण होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, एकल संप्रेषण का यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो सर्वप्रथम तो यही एग्जाम्पल हो गया कि जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो मैं तो आपसे केवल बातें कर रहा हूं, मैं आप तक मैसेज को पहुंचा रहा हूं, लेकिन आप मेरे लिए कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब केवल क्या है, वन वे है, एक तरफा है, अकेले के द्वारा संप्रेषित किया जा रहा है। तो ऐसा जो संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, एकल संप्रेषण कहलाता है। इसके अलावा जैसे हम टेलीविजन पर समाचार सुनते हैं, क्या है वो, एकल संप्रेषण है। रेडियो पर समाचार सुनते हैं, एकल संप्रेषण है। तो कहने का मतलब हम उसकी प्रतिक्रिया ना दे सके तो वो संप्रेषण कैसा कहलाएगा, एकल संप्रेषण कहलाएगा। परिभाषित करेंगे इसको कि जब सूचना एवं संदेश केवल एक तरफ से ही संपादित किए जाते हों तो वह प्रक्रिया एकल संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब सूचना एवं संदेश केवल एक तरफ से ही संपादित किए जाते हो तो वह प्रक्रिया एकल संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब इसमें केवल एक ओर से ही संदेश को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, अब उसमें जैसे एकल के जो दूसरा बिंदु आता है वो आता है दोहरा संप्रेषण। दोस्तों दोहरा संप्रेषण इसका मतलब टू वे कम्युनिकेशन। दोहरा जो संप्रेषण होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आता है, दोनों रास्ते खुले होते हैं।
यानी कि संदेश देने वाला और संदेश लेने वाला। इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण होता है द्वारा संप्रेषण का वो कक्षा कक्ष होता है, क्योंकि कक्षा कक्ष के अंतर्गत अध्यापक पढ़ाता है और छात्र पढ़ते हैं। तो मान लो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो मान लो किसी भी प्रेस को लेकर छात्र को प्रॉब्लम आती है तो छात्र खड़ा होकर अध्यापक से पूछ सकता है, क्योंकि वो वहां आमने सामने है। तो उनका जो संप्रेषण हो रहा है वो कैसा हो रहा है? दोहरा संप्रेषण हो रहा है। लेकिन अब हमारा जो आपका जो संप्रेषण है वो क्या है? एकल संप्रेषण, क्योंकि उसमें हम तो बोल सकते हैं, मैं तो बोल सकता हूं लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं। तो सीधा सीधा इसी एग्जाम्पल से आप इन दोनों को समझ लेंगे कि एकल संप्रेषण का मतलब जब एक दूसरा उसमें रिप्लाई नहीं किया जा सके, यानी एक तरफ से ही संप्रेषण किया जा रहा हो वो एकल संप्रेषण होता है, और जब दोनों तरफ से विचार विनिमय हो रहा हो तब वो दोहरा संप्रेषण होता है। जैसे जब संदेश या विचारों का दोनों तरफ से आदान प्रदान होता हो तो वह प्रक्रिया दोहरा संप्रेषण कहलाती है। दोस्तों यानी कि दोहरा संप्रेषण जब संदेश या विचारों को दोनों तरफ से आदान प्रदान होता हो वह प्रक्रिया दोहरा संप्रेषण कहलाती है। नेक्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण, दोस्तों शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाए, अब वो संप्रेषण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता हो वो संप्रेषण क्या कहलाता है? शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जिस प्रक्रिया में विचार और संदेश को शब्दों के माध्यम से पहुंचाया जाता है उसे उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। तो दोस्तों
जिस प्रक्रिया में विचार और संदेश को शब्दों के माध्यम से पहुंचाया जाता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि वो लिखित ही हो, यानी कि शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी लिखित किसी ऑफिस से या कार्यालय के द्वारा कोई पत्र को दे देना, पत्र के माध्यम से सूचित करना, तो वो शाब्दिक संप्रेषण हो गया। और यदि वर्बली किसी बात को कहना तो वो क्या होता है, मौखिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है अशाब्दिक संप्रेषण। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें केवल और केवल संकेतों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब संदेश या विचार को शब्दों के स्थान पर केवल संकेतों या हाव भाव के माध्यम से पहुंचाया जाता है तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहती है। यानी कि दोस्तों जब संदेश या विचार को शब्दों के स्थान पर केवल संकेतों या हाव भाव के माध्यम से पहुंचाया जाता है तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है और वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है दोस्तों, उसमें केवल संकेतों और हाव भाव के माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।